मुनावर और अभिषेक ने मिलकर के निकाला आयशा खान को कमरे से। दरअसल लाइव फीड जो बंद हुआ था उसके बाद लोगों ने अंदाजा लगाया कि लाइव फीड बंद हो गया है, मतलब कि डबल एलिमिनेशन, ईशा विक्की का एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तो नहीं हुआ लेकिन मनारा के साथ लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई आयशा, ईशा या फिर अंकिता, इनमें से किसी एक के साथ हुई है, जिसकी बाद हम देखते हैं कि जो आयशा है वो कमरे में लोगों के आती है और कहती है गुड नाइट बोलने आती है। तो कहती है अरुण भाई गुड नाइट, मनारा गुड नाइट, अभिषेक गुड नाइट। तो अभिषेक कहता है कि तुमने मुनावर को गुड नाइट नहीं बोला। तो यहाँ पर वो कहती है मुनावर गुड नाइट, और फिर यहाँ पर अरुण को एक बात बोल देता है टास्क से रिलेटेड कि टास्क में तुमने क्या किया था। तो उसको ये बात चुभ जाती है कि मतलब मैं टास्क अगर मुझे मिलेगा तो मैं टास्क परफॉर्म करूंगी, क्योंकि मुझे फिनाले में जाना है तो मैं करूंगी, अगर एक और भी टास्क आएगा तो भी मैं करूंगी। तो उसी में इनकी बहस होने लगती है अरुण और यहाँ पर आयशा खान की, जिसके बाद जो है ना काफी गुस्सा आता है अभिषेक को कि हम लोग को सोना है, तुम यहाँ से बाहर जाओ। और ये नहीं सुनती है, वो कहती है कि 12 बजे क्या लड़ाई नहीं होती है क्या, मतलब 12 बजे तुम लोगों ने कभी लड़ाई नहीं की है, मैं अपनी बात करके चली जाऊंगी, क्योंकि ये जोर जोर से चिल्ला रही होती है। उसके बाद मुनावर फारूकी भी उठते हैं, कहते हैं कि आप बाहर जाइए, बाहर जाकर के बात करिए जाकर के। और कहती है कि ये लोग हमको भगा रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं। तो मुनावर कहता है हम लोग भगा नहीं रहे, बस इतना कह रहे हैं कि बाहर जाकर के बात करिए, हम लोग सो रहे हैं, वैसे हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, दिन में ऐसा लगता है नींद आ रही है नींद आ रही है। तो फिर खिसिया करके मैडम चली जाती है, मुनावर जी सोइए, ऐसे बोल करके वो चली जाती है। फिलहाल क्या कहना है, ऐसा लग रहा है कि जो आयशा है अब उनके पास पत्ते क्या खोलेंगी, अब पत्ते खोलेंगी ना तो और बुरी तरीके से जनता इनके ऊपर ही पत्ते इनके खोल देगी। फिलहाल यहाँ पर इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो अब एक तरफ जो है ना ये इधर भी बनाने की कोशिश कर रही है, फुल ऑन कोशिश चालू है, लेकिन इधर वाले अब बिल्कुल भी आयशा को भाव नहीं दे रहे हैं। थैंक यू।